बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 मेजर्स ऑफ लोकेशन बीकॉम पार्ट 1 पेपर बीएमएस पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, ये चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके कोई 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो कि हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोरा साहब की जो बुक है जो हेले कॉलेज में पढ़ाई जाती है और पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उसमें ये बुक पढ़ाई जाती है, तो ये उस बुक के क्वेश्चंस हैं सारे। तो इस लेक्चर के हवाले से जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं वो मैं आपके सामने ये लिखता हूँ। इसमें हमने पढ़ना है अर्थमेटिक मीन, और अर्थमेटिक मीन जो है वो 3 तरह से हम फाइंड करते हैं, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। तो उसमें फार्मूले में ज़रा सा चेंज आता है क्योंकि ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी होती है और अनग्रुप डाटा में जो है वो फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो इसके बेसिकली बेटा 3 फार्मूलाज हैं। नंबर 1 पे है कि डायरेक्ट मेथड अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला है अर्थमेटिक मीन, ये इक्वल होता है समीशन एक्स ओवर एन। नंबर 2 पे है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फार्मूला जो है बेटा अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन डी ओवर एन प्लस ए होता है। इसके बाद नंबर 3 पे है कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड का जो फार्मूला है ये होता है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन डी सॉरी समीशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच और प्लस ए, ये समीशन यू है। अच्छा, यहाँ पे जो यू है वो इक्वल होता है एक्स माइनस ए ओवर एच के, और यहाँ पे जो डी है वो इक्वल होता है एक्स माइनस ए के। ओके, तो ये 3 फार्मूलाज जो हैं वो इस लेक्चर में हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। ये सारे जो हैं वो अनग्रुप डाटा के हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनग्रुप डाटा, और अगर हमारे पास ग्रुप डाटा हो तो लिखाई जो है ना वो मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो ग्रुप डाटा, ठीक है बेटा। इसमें जो नंबर 1 पे है अर्थमेटिक मीन यानी कि डायरेक्ट मेथड, वो बनेगा समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, और नंबर 2 पे जो शॉर्टकट मेथड है वो बनेगा अर्थमेटिक मीन का समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ प्लस ए, और नंबर 3 पे जो कोडिंग मेथड है अर्थमेटिक मीन का वो बनेगा फार्मूला समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच और प्लस ए। ओके, तो इस तरह से ये हमने 3 फार्मूला जो है वो मैंने आपके सामने लिखे फॉर अनग्रुप डाटा के लिए, और फिर उसके बाद ग्रुप डाटा के 3 फार्मूले लिखे हैं। तो अब आते हैं जी क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लिखे हुए हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 से मैंने स्टार्ट लिया है। जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है वो नहीं लिखे, शुरू वाले जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के जिसमें आपने मोड फाइंड करना है, ओके, और सिंपल मीन फाइंड करना है, इस तरह की चीज़ें, तो वो आपने खुद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। आपने अभी जो है ना फार्मूले पढ़े हैं अनग्रुप डाटा में, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। अब देखिएगा, ये हमारे पास यानी कि एक्स की वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको मैंने एक्स वेरिएबल से डिनोट कर लिया, 15, 25, 30, 50, 100, 60, 35 और 70, ठीक है बेटा। अब जो डायरेक्ट मेथड है उसके लिए तो हमें सिर्फ समीशन एक्स चाहिए, तो समीशन एक्स के लिए जो है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 60 प्लस 35 प्लस 70, तो ये आ जाएगा 385, ओके 385। और
बाकी जो शॉर्टकट मेथड है उसके लिए हम डी की वैल्यू एक्स माइनस ए भी करेंगे। तो पहले चले मैं आपको डायरेक्ट मेथड से जो है वो सॉल्व करवा देता हूँ। जैसे डायरेक्ट मेथड का जो क्वेश्चन है, फार्मूला है, वो होता है अर्थमेटिक मीन का समीशन एक्स ओवर एन। तो यहाँ पे समीशन एक्स कितना है, 385, और एन की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ वैल्यूज़ को हम एन से डिनोट करते हैं, तो 385 को डिवाइड किया 8 के साथ, तो इसका जो आंसर है बेटा वो 48.13 आ जाएगा। अब जो है हमने ये फर्स्ट मेथड यानी कि डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब उन्होंने कहा है कि शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन फाइंड करें। तो शॉर्टकट मेथड का जो फार्मूला है ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, बाय शॉर्टकट मेथड, ठीक है बेटा। इसका फार्मूला होता है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन डी ओवर एन और प्लस ए। यहाँ पर अब हम जो डी है वो लेट करेंगे एक्स माइनस ए। ए की जो वैल्यू है वो हम अपने पास से लेट करते हैं, ए इसमें से कोई भी आप लेट कर लो। जैसे 15 से 70 है तो मैं 30 भी लेट कर सकता हूँ, 60 भी लेट कर सकता हूँ, ठीक है। कोई भी आप ए की वैल्यू अपने पास से अज्यूम कर लें। चलें जी मैं जो है ना वो 60 लेट कर लेता हूँ एक्स माइनस ए। अब यहाँ से एक्स 15 माइनस 60, इस तरह से इसको सॉल्व करते जाएं। 15 माइनस 60 किया तो -45 आ जाएगा, फिर 25 माइनस 60 किया बेटा तो -35, फिर 30 माइनस 60 किया तो -30, इसी तरह 50 माइनस 60 किया बेटा तो -10, फिर 100 माइनस 60 किया बेटा तो 40 आ जाएगा, फिर 60 माइनस 60 करेंगे तो 0, 35 माइनस 60 करेंगे तो -25, और 70 माइनस 60 करेंगे तो 10 आ जाएगा। ओके अच्छा, अब आप इन सब को ऐड कर दें, यह आ जाएगा -45 -35 -30 -10 +40 -25 +10, ओके। तो यह आ जाएगा -95 बेटा। अब मैंने शॉर्टकट मेथड का जो फार्मूला लिखा है सेकंड पार्ट में, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन डी ओवर एन प्लस ए, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। समीशन डी की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया -95, एन की वैल्यू जो है वो 8 है, ए की वैल्यू जो है वो मैंने 60 लेट की है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -95 को डिवाइड किया 8 के साथ तो ये आ जाएगा -11.88, +60 किया, इसमें +60 कर दें तो ये हमारे पास 48.13 जो है ये आंसर आ रहा है अर्थमेटिक मीन। तो बेसिकली मेथड का नाम तो डिफरेंट है, उसकी कैलकुलेशन भी डिफरेंट होगी, लेकिन आंसर फाइनल पे आप देखिएगा कि दोनों का आंसर सेम आएगा। चाहे तीसरे मेथड से भी, वो कोडिंग मेथड से भी क्वेश्चन पूछता, तो तीनों का आंसर जो है वो सेम आना था बेटा। ओके, तो इस तरह से ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बल्कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कंप्लीट होता है बेटा। ओके, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है 6, ये देखिएगा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, फॉलोइंग इज़ द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ स्कूल, मार्क्स दिए हुए हैं और कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन वेयर टेकिंग डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 30 एंड सेकेंड पार्ट में है यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 50 ओवर 10। अब यहाँ पर उसने मेथड का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए से हमें ये पता चल रहा है कि ये शॉर्टकट मेथड है, और यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 50 ओवर 10 से ये पता चल रहा है कि ये सॉरी कोडिंग मेथड है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। अब हमें एक जो है वो टेबल बनाना होगा, और उस टेबल से हमें सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी। ये आपके सामने मैं टेबल बना रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक्स की वैल्यू लिखी बेटा, और एक्स की वैल्यू दी हुई है 25, 60, 80, 100, 90, 50, 70, 30 और 65। ये वैल्यूज़ तो उन्होंने दी हुई हैं। ओके,
अब हमने डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 30 ये वैल्यू फाइंड करनी है। फिर उन्होंने दिया हुआ है यू इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 50 ओवर 10 ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है ये यूज़ करते हुए। अब एक्स माइनस 30 है तो एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते जाएं और वैल्यूज़ आगे फर्दर फाइंड होती जाएंगी। तो ये आ जाएगा 25 माइनस 30 बेटा कितना बनेगा माइनस 5, 60 माइनस 30 जो है ये आ जाएगा 30, 80 माइनस 30 करो तो कितना आएगा 50। इसी तरह एक्स की जगह पे ये वैल्यूज़ पुट करते जाओ और इसको सिंपलीफाई करते जाओ। फिर 100 माइनस 30 किया तो ये आ जाएगा 70, फिर 90 माइनस 30 किया तो ये आ जाएगा 60, और फिर 50 माइनस 30 किया तो 20 आ जाएगा, फिर 70 माइनस करें 30 तो ये आ जाएगा 40, और 30 माइनस 30 किया 0, 65 माइनस 30 जो है ये आ जाएगा 35। ओके बेटा, अब सबको जो है वो सम फाइंड कर लेते हैं। सब सम करें फाइंड तो ये बन जाएगा माइनस 5 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 70 और इसके बाद प्लस 60 प्लस 20 प्लस 40 और प्लस 35। तो इस सारे का सम जो है बेटा वो आ जाएगा 300। इसी तरह अब हम यू भी फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद फर्दर आगे डायरेक्ट इकट्ठे फार्मूले लगा लेंगे। अब एक्स की जगह पे 25 लिखना है, 25 माइनस 50 और डिवाइड बाय 10 करते जाना है। 25 माइनस 50 किया डिवाइड बाय 10 करो तो ये आ जाएगा माइनस 2.5। अब 60 माइनस किया 50 डिवाइड बाय 10 किया तो ये आ जाएगा 1। फिर इसके बाद 80 माइनस 50 डिवाइड बाय 10 किया बेटा तो ये आ जाएगा 3। फिर 100 माइनस 50 डिवाइड बाय 10 किया तो ये आ जाएगा 5। ओके, इसी तरह 90 माइनस 50 डिवाइड बाय 10 किया बेटा तो ये आ जाएगा 4। फिर 50 माइनस 50 0, 0 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 0। फिर 70 माइनस 50 किया डिवाइड बाय 10 करो तो ये आ जाएगा 2। फिर 30 माइनस 50 डिवाइड बाय 10 किया बेटा तो माइनस 2 आ जाएगा, और इसी तरह 65 माइनस 50 लास्ट वैल्यू है ये डिवाइड बाय 10 किया तो ये आपके सामने आ गया 1.5। ओके बेटा, इस सब को जो है वो हम ऐड करते हैं तो आ जाएगा माइनस 2.5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1.5, ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा 12। ओके अच्छा जी, अब देखें फर्स्ट पार्ट में हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, ये आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। तो अरिथमेटिक मीन जो है फर्स्ट पार्ट के मुताबिक ये आ जाएगा समीशन डी ओवर एन प्लस ए। अब यहाँ पर समीशन डी की वैल्यू 300 है, एन की वैल्यू काउंट करते हैं ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन की वैल्यू 9 है और ए की वैल्यू यहाँ पर 30 है क्योंकि डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 डिवाइड बाय 9 प्लस 30 कर दो तो ये बन जाएगा हमारे पास 63.33। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का अर्थमेटिक मीन बेटा, समझ आ रही है आप लोगों को। ओके, अब देखें जी सेकंड पार्ट के मुताबिक, सेकंड पार्ट में यू है तो हमें कोडिंग मेथड का फार्मूला लगाना पड़ेगा और उसके मुताबिक कोडिंग मेथड का जो फार्मूला है वो आ जाएगा समीशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच और प्लस ए। अब समीशन यू जो है वो है 12, एन की वैल्यू 9, एच जो है बेसिकली ये यू होता है ना, यू इक्वल होता है एक्स माइनस, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, यू इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए ओवर एच। यहाँ पर ए की वैल्यू 50 है और एच की वैल्यू जो है वो 10 है बेटा, तो एच की वैल्यू 10 ओके और प्लस कर दिया ए जो है वो, ए इसके मुताबिक 50 है, इसके मुताबिक जो है वो 50 है एक्स माइनस ए। ओके, अब इसको बेटा सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 120, 120 को डिवाइड किया 9 के साथ और प्लस जो है इसमें 50 कर दिया तो इसका आंसर भी देखें बेटा 63.33 आ रहा है आपके सामने कैलकुलेटर पे। देखें झूठ नहीं बोल रहा मैं, आपके सामने आ रहा है आंसर। ओके, तो इस तरह से
हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है बेटा। इसका आप स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट बना लो, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 7, तो जिसमें 3 पार्ट्स हैं और हर एक में डिफरेंट मेथड से है फाइंड करना है हमने अर्थमेटिक मीन। फाइंड अर्थमेटिक मीन इफ एन दिया हुआ है, समीशन एक्स दिया हुआ है, इसमें एन ए और समीशन डी दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में एन ए एच और समीशन यू दिया हुआ है। अब इन तीनों के जो फार्मूलाज हैं वो मैं लिखता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो है अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है, आपको पता है कि ये डायरेक्ट मेथड है, समीशन एक्स ओवर एन होता है। यहाँ पर जो फार्मूला है ये शॉर्टकट मेथड है, ये समीशन डी ओवर एन प्लस ए होगा, होता है फार्मूला। और ये बेटा कोडिंग मेथड है और इसका अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है वो समीशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच और प्लस ए होता है। ये फार्मूलाज आपने पढ़े हुए हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसको अप्लाई किया है, तो बस वैल्यूज़ पुट कर दो। समीशन एक्स क्या है, 75/20, इसको अभी डिवाइड कर लेते हैं हम। समीशन डी 37/15 प्लस ए जो है वो 10, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5.2/12, एच की जगह पे 10 लिखा और ए की जगह पे 50 लिखा, ये सारे को बेटा सॉल्व कर लेते हैं तो इसका आंसर्स हमें मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है 75/20, तो ये आ जाएगा 3.75, 3.75। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 37/15 और प्लस किया 10 के साथ, तो ये आ जाएगा बेटा 12.47, 12.47, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करें बेटा, तो ये आ जाएगा -5.2 × 10 करो और डिवाइड कर दो 12 के साथ, ठीक है, और इसमें प्लस कर दो 50। इस तरह से डायरेक्ट जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 45.67 बेटा। तो इस तरह से क्वेश्चन 7 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। सिंपल फार्मूलाज पुट करने थे, फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, इसका आपने फोटो शोटो बनानी है तो बना सकते हैं। ओके बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 देखिएगा, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस दी हुई हैं और उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो ये ग्रुप डाटा है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। अर्थमेटिक मीन यहाँ पे फार्मूला लगेगा समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। तो देखिएगा बेटा, ये हमारे पास क्लास है, क्लासेस हैं, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, और फिर हमने एक कॉलम बनाना है एफ एक्स का, जो कि सॉरी सिर्फ एक्स का, और फिर बनाना है एफ एक्स का, ठीक है ना। ये सिर्फ एक्स है, एक्स मीन के मिड वैल्यूज़, मिड वैल्यूज़ क्लासेस हैं 1 to 4, 5 to 8, फिर है जी 9 to 12, 13 to 16, फिर 17 to 20, 21 to 24 और 25 to 28। ओके बेटा, इस तरह से अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी है इसकी 2 दी हुई है, 7 है, 12 है, 15 है, 9, 3 एंड 1 है। अब मिड वैल्यूज़ बेटा कैसे फाइंड करते हैं, इन क्लासेस दोनों को हमने ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। जैसे 1+4 करो, 1+4 / 2 कर दो, तो ये बनेगा 2.5, ठीक है बेटा। फिर 5+8 / 2 करो तो आ जाएगा 6.5। ओके, फिर करेंगे 9+12 / 2 करो तो ये आ जाएगा 10.5। ओके, 10.5 या आ जाएगा 13+16 / 2 करो तो ये आ जाएगा 14.5। इस तरह बेटा इन दोनों को मैं ऐड करता जा रहा हूँ और 2 पे डिवाइड करता जा रहा हूँ। अब 17+20 किया, / 2 किया तो ये आ जाएगा 18.5। 21+24 / 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5। 25+28 किया और / 2 करें तो ये आ जाएगा 26.5। ओके बेटा, ये मिड वैल्यूज़ आ गए।
अब एफ एक्स वाला कॉलम बनाना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाएं। ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 तो 5 आ जाएगा, ऐसे ही है। फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 6.5 आ जाएगा हमारे पास 45.5। इसी तरह 12 मल्टीप्लाई बाय 10.5 ये आ जाएगा बेटा 126। कैलकुलेशन है बस। 15 मल्टीप्लाई बाय 14.5 ये आ जाएगा बेटा 217.5। इसी तरह 9 मल्टीप्लाई बाय 18.5 तो ये वैल्यू आएगी 166.5। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 22.5 तो ये मिलेगा हमें 67.5 बेटा। और इसी तरह 26.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 26.5 आ जाएगा। अब इस सब को सम इसका सम फाइंड करते हैं तो 5 + 45.5 + 126 + 217.5 + 166.5 + 67.5 + 26.5। ठीक है बेटा, तो इसका जो सम है वो आ जाएगा 654.5। ओके, ये हमारे पास सम आ गया। अब जो है हमने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन। फार्मूला लगाएंगे बेटा, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, ये फार्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। ठीक है बेटा, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, तो समीशन एफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 654.5, और समीशन एफ जो है इसको आप ऐड कर लें 2 + 7 + 12 + 15 + 9 + 3 + 1 तो ये आ जाएगा 49 समीशन एफ। इसको हमने समीशन एफ की जगह पे 49 लिख दिया। 654.5 डिवाइड बाय 49 किया तो इसका आंसर जो है वो आ रहा है 13.36 आ रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 का 13.36 जो है ये हमारा आंसर है। समझ आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के भी क्वेश्चन 10 मार्क्स का यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में पूछा गया बेटा, तो ये आपको आना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 9 बिल्कुल आसान है, वो आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड एंड कोडिंग मेथड। इसमें हमने जो है शॉर्टकट में समीशन डी वाला फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है 3, 12, 28, 81 इसी तरह से। तो अब यहाँ पे इसका जो फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा। अभी हमने शुरू में पढ़ा था कि जब ग्रुप डाटा होगा तो उसका जो फार्मूला है वो बनेगा समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ प्लस सी शॉर्टकट के लिए, और कोडिंग के लिए समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच प्लस ए, ये फार्मूला बनेगा। तो प्रूफ के लिए मैंने अभी फार्मूले रखे हुए थे आप लोगों के लिए। तो अब जी बनाते हैं हम टेबल, और टेबल के लिहाज से जो जो चीज़ें हमें चाहिए इधर हम बना लेते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं क्लासेस। ठीक है बेटा, क्लासेस लिखेंगे, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद हम एक्स फाइंड करेंगे यानी कि मिड वैल्यूज़। सिर्फ एक्स भी लिख दें तो ठीक है। फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे डी, और डी फाइंड करने के बाद हम करेंगे एफ डी। एफ डी के बाद हम फाइंड करेंगे यू, यू का बताता हूँ फार्मूला आपको, और फिर हम फाइंड करेंगे एफ यू। ये जो है ये सारे कॉलम हमने फाइंड करने हैं बेटा। क्लासेस में देखें तो क्लासेस में लिखता हूँ यहाँ पे 15 to 19, फिर 20 to 24, 25 to 29 और 30 to 34, फिर आ जाएगा ये 35 से 39 और 40 से 44। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे देखें तो 3, 12, 28,
81, 72 और 19 आ जाएगा फ्रीक्वेंसी में। अब एक्स मिड वैल्यूज़ हम सबसे पहले फाइंड करते हैं, तो बेटा इन क्लासेस को ऐड करते जाना है और 2 पे डिवाइड करते जाना है। जैसे 15 प्लस 19 किया और डिवाइड बाय 2 करो बेटा, तो ये आ जाएगा 70। कोई मुश्किल बात इसमें, कोई इशू, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह से आप करते जाओ बेटा, 20 प्लस 24 डिवाइड बाय 2 करो तो ये आ जाएगा 22। इसी तरह 25 प्लस 29 डिवाइड बाय 2 किया बेटा 27। फिर 30 प्लस 34 डिवाइड बाय 2 किया 32। इसी तरह 35 प्लस 39 डिवाइड बाय 2 करें तो ये आ जाएगा 37। 40 प्लस 44 डिवाइड बाय 2 करो तो ये आ जाएगा 42। ओके, अब हम जो है पहले समीशन एफ भी कर लेते हैं क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़नी हमें। तो 3 प्लस 12 प्लस 28 प्लस 81 प्लस 72 प्लस 19, तो समीशन एफ किया बेटा तो ये आ जाएगा 215। ओके, अब हमने डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस, यानी कि एक्स माइनस ए, ए जो है वो एक्स की वैल्यूज़ में से आप कोई भी लेट कर लें, 22 लेट कर लो, 27 कर लो, 32 कर लो, अपनी मर्ज़ी से आप जो मर्ज़ी लेट कर लो। तो मैं चलें 27 जो है वो लेट कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 27। तो अब आप डी की वैल्यू फाइंड करते जाएं, इसमें से एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो लिखते जाएं। 17 माइनस 27 तो कितना बनेगा, ये 17 माइनस 27 ये आ जाएगा बेटा माइनस 10। 22 माइनस 27 किया तो माइनस 5। 27 माइनस 27 किया तो 0। 32 माइनस 27 करेंगे तो 5। इसी तरह 37 माइनस 27 करेंगे तो ये आ जाएगा 10। फिर 42 माइनस 27 करेंगे तो ये आ जाएगा 15। ओके बेटा, 42 माइनस 27 किया तो 15 आ जाएगा। साथ साथ ही है ना, आप बिल्कुल बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? अच्छा चले, मैं भी ज़रा थोड़ा पानी पी लूँ तो फिर हम आगे चलते हैं। लो जी, अब हमने क्या करना है, डी को एफ से मल्टीप्लाई करना है और एफ डी वाला कॉलम जो है वो कंप्लीट करना है। अब ये आ जाएगा 3 इंटू माइनस 10 माइनस 30, और 12 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो माइनस 60 आ जाएगा। फिर 28 इंटू 0 0, फिर 81 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 405। फिर 72 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 720। फिर 19 को मल्टीप्लाई किया 15 के साथ तो ये आ जाएगा 285। ओके बेटा, अब जो है हमने समीशन एफ डी करना है तो इन सब को ऐड कर ले। माइनस 30 माइनस 60 प्लस 405 प्लस 720 प्लस 285। ओके, तो ये आ जाएगा 1320 समीशन एफ डी। अब आ जाते हैं बेटा, समीशन एफ पी हमने निकाल लिया, समीशन एफ डी भी निकाल लिया। अब हमने यू और फिर समीशन एफ यू फाइंड करना है। अब यू जो होता है, बेसिकली यू का जो फार्मूला है ये हमने पहले भी पढ़ा है, एक्स माइनस ए ओवर होता है एच। अब यहाँ पर ए जो है वो हमने खुद फाइंड करना है, ए खुद लेट करना है। ए यहाँ पे आप जो मर्ज़ी वैल्यू लिख लें, 32 लेट कर लें या 27 ही रिपीट कर लें, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, चलें मैं जो है वो चलें 27 ही लिख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो ये आ जाएगा 27 एक्स माइनस 27, और एच देखें तो 17 प्लस 5 करो 22, 22 प्लस 5 करो 27, 27 प्लस 5 करो 32, 5 का डिफरेंस आ रहा है। बाकी यहाँ से मिड वैल्यू से भी पता चल जाता है एच की वैल्यू 5 है, बाकी क्लासेस से भी पता चल जाएगा। जैसे 15 से 19 है तो आप काउंट करो 15, 16, 17, 18 और 19, इन दोनों को शामिल करना है आपने। तो यहाँ पर भी देखें तो क्लासेस में 5 ही काउंट होती हैं, 5 क्लासेस, तो एच की वैल्यू 5 है बेटा, यहाँ पर 5 पुट कर दिया। अब यहाँ पर हमने एक्स की जगह पे ये वैल्यूज पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। तो सबसे पहले एक्स की जगह पे लिखा 17 माइनस 27 डिवाइड बाय 5 तो ये आ जाएगा माइनस 2। 17 माइनस 27 डिवाइड बाय 5 किया माइनस 2। अब 22
-27 डिवाइड बाय 5 किया बेटा -1 आ गया, साथ साथ ही है ना। अब करेंगे 27 -27 0, 0 बाय 5 0 आ जाएगा। फिर करेंगे 32 -27 डिवाइड बाय 5 तो ये आ जाएगा 1। इसी तरह 37 -27 डिवाइड बाय 5 करें बेटा तो ये आ जाएगा 2। फिर आ जाएगा लास्ट में x की जो वैल्यू है वो 42 है, तो 42 -27 किया और डिवाइड बाय 5 किया तो ये आ जाएगा 3। ओके बेटा, अब इन सब को ऐड करें, -2 +2 कैंसिल हो जाएगा, -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। समीशन वैसे u की तो ज़रूरत नहीं थी, चलें कर लिया है। अब समीशन एफ यू के लिए हम क्या करेंगे, एफ वाले कॉलम को u से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू -2 -6, 12 इंटू -1 -12, 28 इंटू 0 0, 81 इंटू 1 81, 72 इंटू 2 करते हैं, 72 इंटू 2 जो है 144, 19 इंटू 3 जो है ये करते हैं 57, 19 इंटू 3 जो है वो 57। अब बेटा इन सब को हम ऐड करते हैं तो -6 -12 +81 +144 +57 तो ये आ जाएगा बेटा 264। तो इस तरह से ये हमारे जो कॉलम्स हैं उस पर हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और सारा जो है वो ये कंप्लीट कर लिया हमने। अब बेटा फार्मूले लगाने हैं और इसको सिंपलीफाई करना है, तो देखिएगा सबसे पहला फार्मूला है जी शॉर्टकट मेथड, उन्होंने कहा है तो ये मैं लिख रहा हूँ शॉर्टकट मेथड। ओके बेटा, तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ और प्लस सी। और नंबर टू पे जो है उन्होंने कहा है कि कोडिंग मेथड से सॉल्व करें, तो कोडिंग मेथड कर लेते हैं। यहाँ पर चलें यहीं पे लिख लेते हैं कोडिंग मेथड, ये आ जाएगा बेटा अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच और प्लस ए। ये फार्मूले मैंने लिख दिए, इसमें वैल्यूज पुट कर लें और इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो देखिएगा ये आपके सामने लिखा हुआ है अरिथमेटिक मीन समीशन एफ डी हमने अभी निकाला है 1320, समीशन एफ अभी हमने निकाला है 215 और ए की वैल्यू यहाँ पर जो डी में थी वो 27 थी। इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं, 1320 को डिवाइड किया 215 के साथ और इसमें प्लस कर दिया 27, तो इसका आंसर आ रहा है 33.14, बिल्कुल आंसर ठीक है हमारा 33.14। यहाँ पर आप देखें बेटा अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन एफ यू, एफ समीशन एफ यू कितना है 264 और समीशन एफ कितना है 215। अब एच की वैल्यू देखें तो एक्स में वही एच की वैल्यू 5 आ रही है, यहाँ पे भी मैंने 5 लिखी थी तो मल्टीप्लाई बाय 5 और ए जो है यहाँ पर मैंने 27 ही लेट किया था। अब इसको सॉल्व कर लें बेटा, 264 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड करें 215, ठीक है पहले मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो इक्वल दबाओ, फिर डिवाइड करो 215 के साथ, फिर प्लस करो 27, तो इसका आंसर भी जो है वो 33.14 ही आ रहा है। तो दोनों का आंसर जो है वो बिल्कुल सेम है और सेम ही आना चाहिए था। ओके बेटा, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है 10 ये कंप्लीट होता है बेटा। ओके चलें जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 में देखिएगा फाइंड द मीडियन 1.3, ये दो तरह के क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए हैं, क्वेश्चन 11 है और इसके बाद क्वेश्चन जो है वो 14 है। अब सब जब भी आपने मीडियन फाइंड करना होता है ना, तो मीडियन के लिए हमने मिडल वैल्यू यानी कि उसकी फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हमें इसके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर डिपेंड करती हैं, अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑड हों तो उसका अलग फार्मूला है n प्लस 1 ओवर 2 है, और अगर इवन है तो उसका अलग फार्मूला है, इवन और ऑड के लिए अलग अलग फार्मूले हैं। जैसे अब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास,
तो फर्स्ट पार्ट में जो वैल्यूज़ हैं वो दी हुई हैं, 1.3 है, 2.8 है, 3.7 है, 4.1 है, 1.8 है, 1.9 है और 2.7 है। तो सबसे पहले ना बेटा आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लो। तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, अरेंज करते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं। तो ये आ जाएगा 1.3, 1.8, 1.9 के बाद 2.7, 2.8 और 3.7 और उसके बाद 4.1। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वैल्यूज़ हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ क्या हैं, ऑड हैं। तो इसके मीडियन के लिए हम क्या लिखेंगे, मीडियन n+1/2 और बाय th, यानी कि n+1/2 वैल्यू इन एरे। एरे मीन अरेंजमेंट, या अरेंजमेंट भी आप लिख सकते हैं। n की जगह पे 7 लिखा, 7/2, तो ये आ जाएगा 8/2। फोर्थ वैल्यू इन अरे। इस अरेंजमेंट में जो फोर्थ वैल्यू है वो बेटा इसका मीडियन है। तो फोर्थ वैल्यू देख लें, 1, 2, 3 एंड 4। तो फोर्थ वैल्यू है 2.7, तो 2.7 जो है वो इसका आंसर है बेटा। ओके, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं हम। सेकंड पार्ट में 12, 18, 17, 12, 11, 9, 0, 3, 7, 2 एंड 4 ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास, और हमने इसका मीडियन फाइंड करना है। ये भी टोटल काउंट करते हैं कि कितनी वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो ऑड हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या अरेंज करेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन, हम इसको ना डिसेंडिंग ऑर्डर में करके करते हैं, यानी कि ताकि आपको दोनों पता चल जाएं। डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 18 है। फिर उसके बाद क्या है, 17 है। 17 के बाद देखें तो 12 है, फिर 12 है, फिर 11 है, फिर 9 है, फिर 7 है, फिर उसके बाद 4 है, 3 है, 2 है और 0 है। इसी तरह से है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बिल्कुल सही है, 11 वैल्यूज़ हैं टोटल। तो क्योंकि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो ऑड हैं, तो इसलिए इसका जो मीडियन का फार्मूला होगा वो n+1/2 th वैल्यू इन एरे, मीन अरेंजमेंट। एन की जगह पे लिखा मैंने 11+11 लिखा, और 11+1 12/2 6, यानी कि सिक्स वैल्यू इन अरेंजमेंट इन अरे। और सिक्स वैल्यू देखे कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सिक्स वैल्यू जो है बेटा यहाँ पर 9 है, तो 9 जो है वो इसका मीडियन है। बात फॉलो कर रहे हैं आप, समझ आ रही है आप लोगों को? ओके जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14 बेटा। क्वेश्चन 14 में देखिएगा, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ। ओके, मोड क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आए, जैसे यहाँ पर 12 जो है वो 2 टाइम आया है, तो इसका जो मोड है वो 12 है। मीडियन के लिए वही जो अभी हमने मेथड पढ़ा है कि उसको पहले तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। तो अरेंज अरेंज इनटू असेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज किया। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 7, 8, 12, 12, 17, 19 एंड 21। छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ गए हम। अब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ काउंट करते हैं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं। वही नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑड हैं,
तो अभी हमने दो क्वेश्चन किए हैं इसी मेथड के, तो हम फार्मूला लगाएंगे एन ओवर टू प्लस वन, एन प्लस वन ओवर टू वैल्यू इन अरे। ओके बेटा, एन की जगह पे कितना था, सेवन, सेवन प्लस वन ओवर टू यानी के सेवन प्लस वन एट डिवाइड बाय टू, फोर्थ वैल्यू इन अरेंजमेंट अरे। तो फोर्थ वैल्यू देखे कौन सी है, वन टू थ्री फोर, तो इसका जो मीडियन है वो ट्वेल्व है बेटा, इसका मीडियन क्या है, ट्वेल्व है। समझ आ रही है आप लोगों को। लो जी, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। ओके, ये सुनिए, मेरी बेटी जो है ऐसे करती रहती है, बस उसके हाथ जो है ना पेन को याद ना जाए। तो अब चलते हैं इसका फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट की वैल्यूज़ को सबसे पहले तो हम इसको ना अरेंज करते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में देखें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1.5 है, उसके बाद 2.1 है, फिर 2.1 के बाद 3.4 दो दफ़ा आया हुआ है, 3.4 सही है, और इसके बाद 3.4 के बाद देखें तो 4.3 है, फिर 4.6 है, 4.6 के बाद 5.31 है और 5.9 है, फिर उसके बाद 6.2 है और 7.8 है। काउंट कर लेते हैं इस सारी वैल्यूज़ को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में मोड भी पूछा हुआ है कि मोड क्या है, तो मोड भी बता देते हैं हम, कौन सी वैल्यू ज़्यादा दफ़ा, 3.5, 4 जो है वो 2 टाइम आई है और कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो 3.4 इसका मोड है। अब जो है बेटा हमने मीडियन फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखें तो n की जो वैल्यू है वो कितनी काउंट की है हमने, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि n की वैल्यू जो है ना वो 10 है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ इवन है। इससे पहले इवन वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो इवन के लिए आपने ये याद रखना है कि हाफ n बाय टू, फिर n प्लस वन ओवर टू, यानी कि इसमें n ओवर टू भी है, फिर n प्लस वन ओवर टू भी है, फिर इन दोनों का सम का हाफ है, ठीक है, वैल्यू इन अरे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे लिखे 1/2, n की जगह पे लिखा 10/2, फिर लिखा मैंने 10 प्लस वन ओवर टू, 10 प्लस वन, टू एन प्लस नहीं टेन एन प्लस टू है सॉरी एन प्लस टू है एन प्लस टू है एन ओवर टू फिर एन प्लस टू ओवर टू, और ये वैल्यू इन अरे जो है वो साथ साथ लिखा हुआ है, या मैं लिख देता हूँ चलें दोबारा, वैल्यू इन अरे। इसको सॉल्व कर लें बेटा, ये आ जाएगा फिफ्थ वैल्यू 10/2 और ये आ जाएगा सिक्स्थ वैल्यू, ठीक है, वैल्यू इन अरे। ओके बेटा, अच्छा जी, अब फिफ्थ वैल्यू देखें यहाँ पर कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ वैल्यू 4.3 है, सिक्स्थ वैल्यू देखें तो 4.6 है। ओके बेटा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 4.3 प्लस 4.6 डिवाइड कर लेते हैं 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 4.45 इसका बेटा मीडियन है। ओके, तो जब n इवन होगा, नंबर वैल्यूज इवन होंगी, तो तब आपने इस तरह से मीडियन फाइंड करना है, हाफ इंटू एन बाई टू, फिर n प्लस एन बाई टू बाई टू टी एच, वैल्यू इन एरे, ये इसका फार्मूला बेटा इवन के लिए, और ऑड के लिए वो एक ही फार्मूला एन प्लस वन ओवर टू, तो वो आपने लगाना है। तो इस तरह से ये लेक्चर जो है बेटा हमारा कंप्लीट होता है, ये लेक्चर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ओके,
बाकी बाकी क्वेश्चंस पर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेक्चर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और बाकी फ़िलहाल आप ये लेक्चर्स देखें, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, और इस टाइप के जितने भी आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आप उसको ट्राई करो। ओके बेटा, मेहनत करें, सही है, हार्डवर्क करें खूब, और क्योंकि अल्लाह किसी की मेहनत नहीं रखता, अल्लाह आप सबको कामयाब करे बेटा। अपना ख्याल रखो, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी कर दिया करो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़ बेटा।